एक ओर सरकार द्वारा स्वच्छता को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, वहीं शिवनी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत बखारी में बस स्टैंड से बाजार चौक मुख्य सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण नाली के गंदे पानी का जमाव हो रहा है। पानी जमा होने के कारण ग्रामीणों को गंदगी में आवागमन करना पड़ रहा है। वार्ड में निवास करने वाले लोगों को घर के सामने नाली के पानी के कारण दुर्गंध के बीच रहना पड़ रहा है। वार्ड के निवासियों द्वारा कई बार ग्राम पंचायत में आवेदन करने पर भी सड़क को सुधारने का प्रयास नहीं किया गया। शिवनी से महफूज अंसारी के साथ कैमरामैन फैजान अंसारी की रिपोर्ट। बहुत से अभियान चलाए जा रहा है, कई ग्रामीण स्तरों को देखा जा रहा है कि भारत सरकार स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन एक ऐसी ग्राम पंचायत है जनपद पंचायत शिवनी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बखारी में स्वच्छता अभियान को लेकर उड़ाई जा रही है धज्जियाँ। लगभग कई महीनों से यहाँ पे एक अनोखा अंबार लगा हुआ है, पर इस और ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। अधिकतम देखे जाते हैं हम लोग जैसे यहाँ पे सड़क पे गंदा पानी पड़ा हुआ है, ना तो नालियाँ बनी हुई हैं, ना ही कुछ और इसके सफाई अभियान करने के लिए कुछ नहीं। मतलब ग्राम पंचायत इतनी उदासीन बनी हुई है, जहाँ भारत सरकार एक और बीमारी को लेकर तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं स्वच्छता पर, ग्राम पंचायत हमारे ध्यान दे रहा है। हमने ग्रामीणों से इस बारे में चर्चा की तो ग्रामीणों का कहना है कि हमने पंचायत को कई बार शिकायत की, पर शिकायत के बाद भी पंचायत ने हमारी समस्याओं को नहीं पूरा किया। आखिर ग्राम पंचायत किसके आशय पर यह काम नहीं कर पा रही है, जो एक बोला जाए कि पूरा ध्यान स्वच्छता अभियान को लेकर उड़ाई जा रही है ग्राम पंचायत बखारी में। इस सड़क की जो आप चर्चा कर रहे हैं, इस सड़क के बारे में ग्राम पंचायत बखारी के माध्यम से सचिव महोदय के माध्यम से हमने कलेक्टर महोदय को, अनुविभागीय अधिकारी महोदय को और जिनने ये रोड तोड़ा है L&T कंपनी वाले, उनके वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है कि इस रोड को व्यवस्थित तरीके से बना दिया जाए ताकि आवागमन में समस्याएं ना हो। बरसात के दिनों में भी हमने कलेक्टर महोदय से आग्रह किया, घरों में पानी घुसा है लोगों के, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के कारण इस रोड का निर्माण कार्य नहीं हो रहा और यातायात बाधित है। कलेक्टर ऑफिस में भी आवेदन दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। छह महीने हो गए, पूरे मेरे घर के अंदर पूरे मोहल्ले में जा रहा है, लेकिन यहाँ की पंचायत कलेक्टर सबको आवेदन दिया, लेकिन कोई जन सुनवाई नहीं हो रही है। इसके लिए जल्द से जल्द सुनवाई हो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। आपने जो शिकायत किए हैं, शिकायत करने के बाद में पंचायत से आपको क्या आश्वासन मिलता है कि इसके बारे में क्या काम होगा, क्या जल्दी करें, कुछ आश्वासन दिया जाता पंचायत द्वारा? पंचायत तो ये कहती है कि L&D वाला ने पाइपलाइन तोड़ा बनाया है, वही इसका वो करेगा, तो बोलता है एक महीने के बाद होगा, दो महीने के बाद होगा, लेकिन वो कुछ छूटा नहीं है, वो परेशानी हमको झेलना पड़ता है। तो आपके घरों में बरसात का जो पानी रहता है, मतलब जो प्रकृति के रूप में जो पानी आता है, वो आपके घरों में घुस जाता है, जिससे बहुत ज्यादा हानि नुकसानी होती है, तो उसके बारे में आपने कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया लिखित में, तो वहाँ से आपको कुछ आश्वासन मिला कि मैं इसको देखता हूँ, या पंचायत के द्वारा कुछ बोला जाता है कि पंचायत कहती है भाई हम अपना कार्यक्रम करवाते हैं या इसको ठीक करवाते हैं? जो गंदगी आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी पड़ी हुई है, अति से ज्यादा, मतलब इतना गंदा पानी है कि यहाँ पे रेंगते हुए भी दिक्कत होती है हम लोगों की, हम रेंगने में बड़ा करते हैं, लेकिन यहाँ के ग्रामीण जिस मोहल्ले के हैं, कुआं मोहल्ले के, जो जनपद पंचायत सिमली के अंतर्गत ग्राम पंचायत बखारी है उसमें आता है, और इतनी गंदगी मची हुई है कि यहाँ पे रहना या चलना बहुत ही दुष्कर हो जाता है। ऐसी स्थिति में कुआं मोहल्ले के ग्रामीण लोग लगभग पिछले 8 महीने से इस समस्या से जूझ रहे हैं और पंचायत से इस बारे में कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन पंचायत का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। इसी बात में हम अगले ग्रामीण से पूछते हैं फिर से इन्हीं से कि भाई इसके क्या आवेदन देने के बाद में पंचायत क्या बोलती है? इसके बाद आवेदन देने के बाद पंचायत का कोई कुछ नहीं है, कलेक्टर ऑफिस से भी कोई कुछ नहीं आया है, ना कुछ हो पा रहा है, आवेदन देने से कुछ हुआ नहीं। कम से कम 6-5 महीने हुए मैंने आवेदन दिया था, लेकिन कुछ सुनवाई हो नहीं पा रही है। यहाँ की पंचायत पता नहीं कैसी पंचायत है। आपके मोहल्ले में ग्राम पंचायत मोहल्ले में गंदगी जो पड़ी है, आपने पंचायत को आवेदन शिकायत किया इस गंदगी को हटाने के लिए स्वच्छता की? और मैंने ग्राम पंचायत बखारी में बहुत आवेदन भी दिए, जाके भी हमने ग्राम पंचायत द्वारा बोले भी हैं, इन किसी और किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। आज दिन दुर्घटना हो रही है, बहुत अच्छा भी हो रहा है, इनकी चल भी आए दिन, किसी का ध्यान नहीं जा रहा है।
तो ये जो गंदगी मची हुई है इसको लेकर आपने आवेदन दिया, पंचायत में जाकर दिया, पंचायत बोलती है कि ये हमारा काम नहीं है, LMPT का है, तो क्या आप लोगों को पंचायत ने इसके बाद भी कोई काम नहीं बोला, LMPT को भी इसकी शिकायत नहीं की? उसको उनका ये बोलना है सीधा कि जिनने जो रोड खराब डाला है, जो पाइप लाइन डली है, वही आकर सुधारेंगे, बाकी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।